हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अस्तर के ब्लाउज़ जो है, यानी कि फोर टक्स ब्लाउज़, अस्तर वाला फोर टक्स ब्लाउज़ की हम कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अस्तर है, यहाँ पे हमारा जो साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज़ है, और यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट लेने के लिए फोर टक्स ब्लाउज़ है हमारा। तो यहाँ पर हमारी ये अस्तर वाला फोर टक्स ब्लाउज़ की हमें कटिंग करनी है। अब देखिए, यहाँ पर पहले हमें इसकी मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पे पहले हमें ब्लाउज़ की मेजरमेंट ले लेते हैं। पहले हुक को इस तरह से लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे पहले हमें इसकी बैक साइड जो है, बैक साइड में हमें इसकी पहले लंबाई नापनी है। यहाँ पे पहले हम पूरी लंबाई लेंगे, 14 इंच इसकी पूरी लंबाई आती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बैक साइड का जो नेक है वो लेना है। बैक साइड का नेक है हमारा 8 इंच, यहाँ पे हमें सीधा लेना पड़ता है। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से लेना है। ये जो बैक साइड आगे के साइड में आती है, तो इसे भी हमें पकड़ना है, यानी कि 11 इंच आता है। यहाँ पे पूरा हम यहाँ से यहाँ तक भी नापेंगे। यहाँ पे हमारा 21.5 इंच आता है। अभी यहाँ पे हमें फ्रंट साइड का जो नेक है वो लेना है। यह है हमारा 6 इंच। यहाँ पे हमें शोल्डर को लेना है। शोल्डर आता है हमारा 12 इंच। यहाँ पे हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। स्लीव्स की लंबाई हमारी 4 इंच। स्लीव्स का बॉटम लेना है। सात इंच स्लीव्स का बॉटम आता है। तो यहाँ पे मैंने ये फोर टक्स ब्लाउज की जो मेजरमेंट है वो ली है। अभी यहाँ पे हमें पहले अस्तर की कटिंग करनी है, उसके बाद हमें ये साड़ी का जो ब्लाउज है उसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी 14 इंच, तो यहाँ पे हम 15 इंच लेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने 15 इंच ये लंबाई ली है। यहाँ पे हमें सीधा लेना है। पहले हम बैक साइड निकालेंगे, 2.5 इंच पे हमें गले का मार्किंग करना है। शोल्डर है हमारा 12 इंच, इसका हाफ लेते हैं हम 6 इंच। यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है, आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है, इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। अभी यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है,
ये हमारी बैक साइड है, बैक साइड की गोलाई जो है वो देते हैं। यहाँ पे हमारा चेस्ट का 1/4 है, 11 इंच। इसके आगे हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ पे हमारे ये एक्स्ट्रा मार्जिन है और यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आएगी। अभी यहाँ हमारा बैक साइड का जो नेक है वो लेना है। इस तरह से हमने ये गला जो है वो निकाला है। अभी यहाँ पे पहले हम बैक साइड कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये बैक साइड जो है वो कट की है। अभी यहाँ पे हमें फ्रंट साइड कट करनी है। इस तरह से हमें इसको रखना है। अभी यहाँ पे हमें ये जो फ्रंट साइड हमने बैक साइड निकाली है, यहाँ पे हमें इस तरह से रखनी है और इसे इस तरह से लेना है। यहाँ पे हमारा शोल्डर का मार्किंग आएगा, गले का मार्किंग किया है, ये जो गले का मार्किंग है और ये शोल्डर का मार्किंग है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये क्रॉस पट्टी जो है, क्रॉस पट्टी लगानी है। और यहाँ हमारा टक्स जो पॉइंट जो है वो टक्स भी हमारे आते हैं, इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, जो फ्रंट साइड की गोलाई आएगी हमारी। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट साइड की गोलाई है। अभी यहाँ पे हम फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसे कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड का नेक है, 6 इंच हम पहले ले, 6.5 इंच है। ये देखिए, यहाँ पे पहले हम फ्रंट साइड का नेक नापेंगे। छ इंच हमारा नेक आता है, 6 इंच पे ही पहले हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमें जो फ्रंट साइड की हल्की सी गोलाई देनी है। इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड जो है वो कट की है। और यहाँ पे हमारी ये जो बैक साइड है, बैक साइड हमने कट की है। यहाँ पे हमें स्लीव्स जो है, स्लीव्स के लिए आर्महोल नापना है। यहाँ पे हमें
9.5 इंच, 9.25 इंच हमारा ये स्लीव्स के लिए आर्मोल आता है, 9.25 इंच आर्मोल आता है। तो इसके जो 10.5 इंच के हमें इसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो कम है, इसलिए हमें क्या करना है, जो स्लीव्स के लिए हम अलग कपड़ा लेंगे, इसी कलर का हम अलग कपड़ा लेंगे, उसके बाद उसमें स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। और इसकी जो क्रॉस पट्टी है, इसकी जो क्रॉस पट्टी हमारी है, यहाँ पे हमारी जो क्रॉस पट्टी आती है, ये क्रॉस पट्टी जो है इसके ऊपर हम निकालेंगे, ये जो हमारी साड़ी का जो ब्लाउज है इसमें से हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे। जैसे नीचे के साइड से हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे और ऊपर हमें ये क्रॉस पट्टी लगानी है। उसके बाद यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट लगाने हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक साइड जो है वो कट करके आपको दिखाई है। ये ब्लाउज का जो नाप है बहुत बड़ा है, इसलिए ये कम कपड़ा था, इसलिए हमें जो स्लीव्स जो है वो अलग कपड़े में निकालनी है। अभी यहाँ पे हमारा ये जो साड़ी का ब्लाउज है इसके ऊपर ये अस्तर जो है वो रखना है और आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये अस्तर वाला फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग आपको करके दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।